तो दोस्तों, चैनल के एक और न्यू वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो क्रंचीरोल ने अपनी समर 2024 की हिंदी डब एनिमे लाइनअप अनाउंस कर दी है, और तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बार कितने एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं। अब तक सिर्फ 5 या ज्यादा से ज्यादा 7-8 एनिमे हिंदी में आते थे, लेकिन इस बार क्रंचीरोल ने धमाका कर दिया है। एज ऑफ नाउ टोटल 14 एनिमे की लिस्ट अनाउंस हुई है जो कि इस सीजन हिंदी डब में आने वाले हैं। तो जिन लोगों को हिंदी डब्स पसंद है उनके तो मजे ही मजे होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि वो 14 एनिमे कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला एनिमे है वो इस सीजन का सबसे एंटिसिपेटेड एनिमे है, जो कि है टावर ऑफ गॉड सीजन 2। और दूसरा है मेक इन टू मेनी लूजिंग हीरोइंस, जो कि एक रोम कॉम एनिमे है। अगला है बाय बाय अर्थ, जो कि एक फैंटेसी एडवेंचर एनिमे है। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन, जो कि इसेकाई एक्शन एनिमे है। अगले दो रोमकॉम एनिमे है अलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन और डेज विद माय स्टेप सिस्टर, और इनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की है, तो तुम वो वीडियो भी देख सकते हो। फिर है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड और क्वालिटी अश्योरेंस इन अनदर वर्ल्ड, और ये दोनों ही इसेकाई एनिमे है। फिर है व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड, जो कि एक साइंस फिक्शन फैंटेसी और एक्शन एनिमे है, और इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले टॉप 5 अपकमिंग एनिमे दिस सीजन वाले वीडियो में बताया है। तो अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो वो वीडियो देखो। और अगला एनिमे है वी ट्यूबर लेजेंड हाउ आई वेंट वायरल आफ्टर फॉरगेटिंग टू टर्न ऑफ माई स्ट्रीम, जो एक कॉमेडी एनिमे है। और उसके बाद विस्टोरिया वॉन्ड एंड सोर्ड, जो कि एक फैंटेसी और मैजिक एकेडमी वाला एनिमे है। फिर है द इल्यूसिव सैमुराई, जो एक हिस्टोरिकल सैमुराई एनिमे है। और ट्रू ब्यूटी, जो कोरियन वेबटून का एडेप्टेशन है। और लास्ट में है ट्वाइलाइट आउट ऑफ फोकस, जिसका नाम सुनके तो ये एक वैम्पायर एनिमे लगता है, लेकिन हे बुलशिट, सॉरी आई मीन बॉयज लव एनिमे। तो ये है वो 14 एनिमे जो कि इस समर सीजन क्रंचीरोल पर हिंदी डब में आने वाले हैं। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि एक्चुअली में इनमें से कितने आएंगे, क्योंकि जैसा कि हमें पता है क्रंचीरोल करने के लिए तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करता है, लेकिन लाता उनमें से आधे भी नहीं है, या तो बहुत लेट लाता है। और इस बार तो 14 एनिमे अनाउंस किए हैं, तो देखते हैं कि उनमें से कितने आते हैं। वैसे तुम इस लिस्ट में से कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में देखने के लिए एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसे ही और भी हिंदी डब एनिमे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।